माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आज हमने पूजा रखी थी गांव में, गांव की परंपरा के अनुसार जो पूजा ये गुरुवार के दिन होती है, बृहस्पतिवार के दिन, और शान माता की दुर्दुर्या इसे उसको बोलते हैं। इसमें चने, लाई और मिठाई इन तीनों का पूजा होता है। 14 सुहागन को बुलाया जाता है, जो जिसका निमंत्रण लिया जाता है वो सुबह के समय आती हैं। उसके बाद में पूजा होती है, इसमें गौरी बनती हैं, गौरी बन बनाई जाती है, कलश रखा जाता है, उनकी पूजन होती है। थोड़ा से मतलब हवन टाइप भी होता है। जैसे कि पूजा हुई हो गई, हम लोगों की पूजा हो रही है। ये सब हमारे गांव की औरतें हैं जो आई हैं, तो अपना उनसे विश मांगो, जो आपको मांगना हो उन प्रणाम करो। क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत मतलब बहुत जो मांगो तो मिल जाता है, तो ऐसे हम लोग ये माना जाता है। अब इसको एक दूसरे को ना जो होता लगाया जाता है पूरा उसको बोलते हैं, उसको एक दूसरे को दिया जाता है, वही उनको दो, सब लोग आपस में एक दूसरे को देते हैं। और हम लोग जो हमसे हमारी चाची हैं और हम दोनों लोग बैठे हैं, मतलब पूजा पूजन हम ही दोनों लोग किए थे, तो हम दोनों को वो लोग देंगे, हम लोग उसको उसे अपनी दिखाएंगे, भीख मांगते हैं उनसे तो लोग हम लोगों को देती हैं। ऐसे की परंपरा है हम लोगों की यहाँ की, तो ये परंपरा मतलब कि बहुत बहुत इसमें कहानी भी होती है, माता की कहानी भी कही जाएगी। मतलब औरतें आती हैं उनमें से, या कोई कहानी भी कहेंगे एक लोग, सब लोग सुनेंगे कहानी को, उनको मतलब फिर करना भी पड़ता है कहानी में। पूजा में सब लोग मतलब कि ये पूजा बहुत मतलब कि बहुत पुरानी प्रथा है ये पूजा की, जो इसकी मतलब कि इसका जो मांगो विश भी पूरा हो जाता है हम लोगों की ये। और गांव की सब मतलब औरतें हैं सुहागन, जो सुहागन औरतें ही रहती हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है, इसमें कलश दीप मतलब कि पूरा अच्छे से पूजा करो, इससे पूजा करते हैं आप लोग मतलब घर के मंदिर में, वैसे पूजा होती है यहाँ पे। सात सुहागन को सिंदूर दान दिया किया जाता है, जैसे कि 7-14 लोग हैं तो 7 लोग को हम करेंगे, 7 लोग को चाची मेरी करेंगी, यहाँ की मतलब की ये तीर्थ से गौरी को लगा के उनके सब 7 लोगों को सुहाग दिया जाएगा। इसमें मतलब की देवी गीत से गाना भी होता है, इसमें आरती भी होती है। ये भी आगे पूरा वीडियो के अंत तक बने रहना, तो आप लोग देखना इसमें क्या उनका गाना कैसे होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग भी मांग रहे हैं ना, वो लोग दे रहे हैं, हम गाना गाएंगे के साथ में।
जैसे कि गाना सजदे भी गीत हो चुकी है। अब हम लोगों को जो कपड़ा बिछाया जाएगा इसी को आसान माता को बनाया जाएगा। ऐसे आप लोग देखना भी, यहाँ भी गाना होगा देवी गीत। ऐसे उसको बना के पूरा उसको सर्कल टाइप बना के गोला से बना दिया जाएगा। पूरा ढांचा बनाते हैं माता रानी का, ऐसे गाना गाया जाता है। ये परंपरा यहाँ की बहुत पुरानी है, प्रथा मतलब कि उसको भी सिंदूर से टीका जाएगा, उनको सिंदूर लगाया जाएगा माता रानी से बना। आप लोग देख रहे हैं इसे बिंदी लगाई जाएगी उनको दोनों लोग को, तो मतलब सुहागन ऐसे करती हैं। मतलब बहुत प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत मतलब की अच्छी भी है प्रथा, मतलब जो माँ को विश पूरा जाता है। क्या आप लोग देख सकते हैं ऐसे पूजन हुआ था गौरी का। इसमें गौरी में चना वो जो मिठाई चढ़ाती है चढ़ाया जाता है। अब हम लोग की पूजा संपन्न हो चुकी है, अब हम लोग सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो गांव की सब सुहागनें आई थी, लोगों का हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। अब जो कलश को पानी रखा हुआ है, अब कलश को पानी को हम लोग नीम के पेड़ में समर्पित करेंगे। जैसे कि मान्यता है कि इसको पूजा करने के बाद जो कलश का पानी हो उसको उठा के नीम के पेड़ पे शीतला माँ का होता है ना वो, तो वहाँ पर समर्पित कर दिया जाता है। अब उसको हम समर्पित कर रहे हैं। सब औरतें अपना चाय मतलब से नाश्ता सब कर रही हैं, सब उससे फिर नाश्ता करके आ जाती हैं अपने घर से। तो यहाँ पर नाश्ता भी कराया जाता है पूजा संपन्न होने के बाद में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गौरी है प्लेट में, ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूजा हुआ है। गुड़हार का फूल है जो कि हम लोगों को कहाँ मिलता है वहाँ पे, इतना ढेर सारा फूल है गांव में। तो बहुत मतलब जैसे अब इसको जल को हम लोग नीम के पेड़ पर समर्पित कर रहे हैं। अब ये पूजा बहुत पुरानी परंपरा है, जैसे दादी वादी मतलब बहुत पुरानी है। और जो माँ को विश पूरी हो जाती है, जैसे अवसान माता की है, संकटा माता की है। अब कल हम अपने वीडियो में आपको निष्ठक दिखाएंगे, कल दूसरा वीडियो ब्लॉग बनाएंगे वो, कि कल चटपटा वाली है, कल शुक्रवार है। शुक्र सोमवार को हम लोगों में चटपटा सिर्फ मिठाई की ही मतलब होता है सुहागन बुला के, कल वो उसकी पूजा रहेगी क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। कल शुक्रवार कल पूजा होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे